नमस्कार, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। रत्न शिखा टाइम्स, देश के किसानों की आवाज। औरैया कानपुर देहात और जालौन जनपद के बॉर्डर पर स्थित सिकंदरा ब्लॉक का करियापुर गांव कई पीढ़ियों से मिर्च का उत्पादन करता आ रहा है। मिर्च की खेती यहां के किसानों की एक आदत, एक परंपरा बन चुकी है। उनके पूर्वजों से मिले मिर्च उत्पादन के हुनर को उन्होंने जतन से न केवल संभाल कर रखा, बल्कि इससे अपनी तकदीर और तस्वीर भी बदल डाली। विगत 20 वर्षों से किसानों के बीच कार्य कर रही संस्था ग्रीन क्रॉस सोसाइटी के साथ एग्रो बेस्ड रत्न शिखा टाइम्स की टीम चिली फार्मर्स के बीच पहुंची तो वहां के किसानों ने रत्न शिखा टाइम्स के कैमरे पर खुलकर अपनी समस्याओं को साझा किया। खेती तो हम 10 साल है करत करत हमें, जब से हम मान लो सन 2001 में शादी भाई है, सन 2001 से शादी मिर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन ये आज इन साल ही यह रोग लगा है पीला। ये और कितने खेतों में ये रोग है? ये तो अब कितने खेतों में हम बताए, जो मतलब होता ही चली जाए, पहले हरी भी होते है या के बाद में नग नग पीली होते या फिर होते ही चली जाते है, बढ़ते ही चली जाते है। अच्छा, मैं मतलब छोड़ी भाई और धीरे धीरे पूरे खेत में दौड़ गई, धीरे धीरे पीली पत्ती भाई नेक नेक पूरे खेत में दौड़ गई है। कौन सी वैरायटी आपने बोई है? हाँ, 3572 है, 3572 है। खेत का खेत तो पूरा सारो खेत ही बैठ गए, मेरे दोनों खेत बैठ गए ऐसे ही। हाँ, दोनों खेत ऐसे बैठ गए, मतलब पहले तो हरी मिर्च हो गई, एक फरा टोले दूसरी फरा पूरी मिर्च बैठ गई है। ये मिर्चों का हरा भरा खेत है और हमारे साथ हैं ग्रीन क्रॉस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी एसके तिवारी जी, जो आज रत्न शिखा टीम्स के साथ में क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, किसानों की समस्याओं को जान रहे हैं। बहुत तरह की समस्याएं यहां पर ट्रेस आउट हुई हैं। तिवारी जी, अभी बताया गया कि यहां पर एक रोग आया हुआ है, किस तरह के रोगों की रिपोर्टिंग हुई है अभी तक यहां पे आपके पास में देखने में आया? असल में बाकी तो ये लोग एक्सपर्ट हैं और बहुत सालों से कम 15-20-25 सालों से ये मिर्च करते आ रहे हैं, इनको पूरा अभ्यास है मिर्च की खेती करने का। लेकिन अभी कुछ रोग जो कर लीफ टाइप में है, पौधों का लीफ एकदम टेढ़ा हो जाता है, फिर वो सीधा होने की उसमें संभावना कम हो जाती है, तो इस तरह का कर लीफ आया हुआ है। उस कर लीफ का निदान आफ्टर डिजीज बहुत कम है, बिफोर डिजीज तो है। अगर हमें ये शक हो जाए कि यहाँ पर इन खेतों में करलीफ हर साल आने की गुंजाइश है, तो वो उसमें उसको पहले से ही उसमें अपनी दवाइयों का इस्तेमाल करके इसको बचा सकते हैं। लेकिन वो अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो एक बार आने के बाद फिर उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह की दवाइयाँ अभी मार्केट में उपलब्ध नहीं है जो इस करलीफ को पूरी तौर पर ठीक करता। हरियाली और संपन्नता के मिशन पर फोकस करने वाली संस्था ग्रीन क्रॉस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी एस के तिवारी ने चिली फार्मर्स की घटती आय पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि यहाँ के किसान बेशक प्रोग्रेसिव सोच के हैं, लेकिन मिर्च की प्रॉपर मार्केटिंग न हो पाने के कारण इन्हें इसका वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता। ज्यादातर किसान यहाँ के पढ़े लिखे हैं और उन्होंने एडॉप्ट किया है अच्छी किस्म की खेती करने के लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनको दे सकें। उनमें से एक तो मिर्च आती है, शिमला मिर्च है, टमाटर है और बैंगन है। अब वो अपने पुराने और नए अंदाज से उस खेती को करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो बहुत कामयाब भी हैं और उन्होंने अपना इस एरिया में, आसपास के एरिया में एक अच्छा नाम कमाया है और यहाँ के वो लोग प्रसिद्ध हैं। और जो भी यहाँ फसल पैदा होती है उसकी पैसे के लिए, उसके सही कीमत के लिए वो उनको लोकल बाज़ारों पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। वो लोकल बाज़ार औरैया, सिकंदरा और आसपास के जो 20-25 किलोमीटर के बाज़ार हैं उनसे जो उनके भाव रहते हैं, तो कम ज़्यादा दामों पे उनको फसल को मजबूरन बेचना पड़ता है और कई बार उनको उसके फसल का वाजिब पैसा नहीं मिल पाता। करियापुर गांव के 3 किलोमीटर सराउंडिंग एरिया में मिर्च की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ग्रीन क्रॉस सोसाइटी और रत्न शिखा टाइम्स की टीम ने वहां के कई किसानों के खेतों पर जाकर उनकी समस्याओं के विषय में जाना। किसानों के सामने यहां मार्केट और आवारा पशुओं का
बड़ा संकट दिखाई दिया। किसानों ने बताया कि निराश्रित गोवंश उनकी फसलों को चट कर जा रहे हैं। यदि उनसे किसी तरह से फसल बच जाती है तो मंडी में उसका भाव नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसे अब मिर्च की खेती में घाटा होने लगा है। रात दिन खटिया डाल के परत है जनता, बताओ कैसे रखवाएंगे इनसे। सबसे ज्यादा समस्या चौपिन की है, झुंड के झुंडात है इनपे। बताओ खटिया डाल के इन परत, अब लेडीज थोड़ी ना खटिया डाल के इन पर आए के, जिसके घर मालिक है वे तो पर आए के, लेडीज थोड़ी नहीं पर सका थे। ये समस्या आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में ये महिला किसान थी और इनका दर्द है। छुट्टा जानवरों की बहुत बड़ी यहाँ पे समस्या है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नवंबर और दिसंबर में छुट्टा जानवरों को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक जहां तक हमने देखा है, जितने भी किसान हमें मिले हैं उन्होंने तो ये बात नहीं बताई है कि छुट्टा जानवर यहाँ पे। हाँ क्या देखो, उसने किनारे किनारे पूरी मिर्च सारी बेकार कर दी, जहाँ घुस जात पूरी 40-45-50 को झुंड घुस जात, पूरी मिर्च सारा खराब कर दिए थे। बताओ हम क्या करे, छोटे से पाला थे वो जानवर घुस जात जो खेत में, तो हम खेत में क्या करे, सोड़ा कर दे सारी मिर्च डरी। बताओ वरना 3 कट्टी में मिर्च निकाली टूटी भाई, बताओ है जनता ऐसी परेशान है, खटिया डाल के परत खाना खान जात है। और भाई हिसाब से मतलब जाए, जो ऐसी किसान के बाद देखो जो की जाती सुविधा करो, जो की जाती मतलब इतनी परेशान ना हो। गाय बहुत छोटा जानवर, जंगली जानवर है, नील गाय कुंवर है गाय, तो अगर तार लगाओ तो प्रॉब्लम, ना लगाओ तो फिर फसल का नुकसान, बहुत नुकसान करती जानवर बहुत। यहाँ 70-80 के झुंड में जानवर आते हैं, फसल तोड़ देते हैं, खा जाते हैं, किसान बहुत परेशान है जानवरों से। 70-80 के झुंड में यहाँ पर छुट्टा मवेशी आती है और वो फसल को बर्बाद करके चली जाती है। जानवरों की समस्या करियापुर में बीत रही है, करियापुर गांव में जानवरों की समस्या बीत रही है, उससे बिल्कुल परेशान है किसान। चाहे तो धानी की फसल हो, चाहे गेहूँ की फसल हो, चाहे बाजरा की फसल हो, चाहे मिर्च टमाटर हो, एक रात में 2-4 बीघे ध्वस्त कर देती है फसल जानवर। इतना सांड, इतनी गाय है जिसकी कोई समस्या नहीं है, बहुत परेशान है इंसान। करियापुर के दक्षिण में गोपैयापुर, पूरब में खोजाफूल, उत्तर में माहटौली और पश्चिम में सेवरा गांव स्थित है। यहां का किसान बड़े पैमाने पर हरी मिर्च, बैंगन और टमाटर की खेती करता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कृषि विभाग या अन्य सरकारी एजेंसियों की मदद यदि इन किसानों को मुहैया हो जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ का किसान यूपी के GDP ग्रोथ में अपनी बड़ी सहायक भूमिका निभा सकता है। तिवारी जी, आप ग्रीन क्रॉस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी हैं, ग्रीनरी और प्रोस्पेरिटी पे आप लगातार काम कर रहे हैं कई सालों से, तो ये आपका औरैया सराउंडिंग, इधर आपका जालौन पड़ता है, इधर ये आपका कानपुर देहात का एरिया है, तो यहाँ पर किसानों की आर्थिक स्थिति मौजूदा समय में और बीते 5 सालों में, मतलब किस तरह से बदलाव आप देख रहे हैं? किसान बहुत एक्टिव हैं यहाँ के, और उन्होंने निरंतर प्रेरित होके जो तमाम एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, उनसे जो उनको प्रेरणा मिलती है, या जो सोसाइटीज़ हैं जो यहाँ काम करते हैं, जैसे ग्रीन क्रॉस सोसाइटी यहाँ लगभग 20 सालों से यहाँ काम कर रही, और उसने यहाँ के किसानों को समय समय पर तरीके दिए हैं कि किस तरह से वो खेती को अपनाएं, कैसे वो अपने फसल का सुरक्षा करें, कहाँ कहाँ कैसे कैसे बेचें, और तमाम बीमारियों से कैसे बचाएं। तो इसमें वो करीब करीब एक्सपर्ट्स तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी वो उसी ओर है, काफ़ी उन्नत पर हैं, और उन्होंने इसमें काफ़ी महारत हासिल की है, और अगर उनको मौका दिया जाए तो बहुत आगे जा सकते हैं। किस तरह की दिक्कतें यहाँ का किसान फेस कर रहा है? अभी जो हम चर्चा कर रहे थे समस्याओं के विषय में, तो सबसे पहली समस्याएं हैं कि उनकी फसलों का उचित मूल्य न मिले। वो यहाँ लोकल मार्केट जो यहाँ से 10-15-20 किलोमीटर दूर पर है, बस वहीं तक जा पाते हैं। बाहर उनको माल भेजने का ना तो उनको कोई जानकारी है, और ना ही गवर्नमेंट की कोई सुविधा उनको यहाँ ऐसी मिलती है जो अपनी फसलों का वो सही सही मूल्य हासिल करता है। सबसे पहली समस्या तो उनकी ये फसलों का सही मूल्य हासिल करने की, बाजार मिलने। हमारे साथ करियापुर के एक प्रोग्रेसिव किसान लाल सिंह राजपूत जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये कितनी मिर्च की खेती करते हैं। करीब 1 बीघा सर करते हैं। कब से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं, बाबा पापा यही करते, खेती में करते आए पीढ़ियों से आप खेती कर रहे हैं? मेरी जी की खेती होती है। आप अपने बाबा दादा के टाइम से? हाँ जी, मिर्च की खेती। तो मिर्च
कि मार्केट कहाँ है, कहाँ मार्केटिंग करते हैं? कानूनी मार्केट सर, कोई गांव आता है कोई और 10 रुपए किलो बेचती है, गेहूँ बेचती है, हम लोगों की मेहनत नहीं तक नहीं कर पाती है, लेकिन क्या है पेट के वजह से करना पड़ता है, नहीं कुछ करेंगे तो हम लोग भूखे मरेंगे। जो रेट मिलते हैं तो हम लोग बेबसी होकर डाल आते हैं, जो बिकती है 10 रुपए 20 रुपए 10 रुपए किलो जा रही है। ज्यादातर यहाँ के किसान यहाँ की जो नियर मंडी औरैया है, औरैया बेचते हैं और भी कहीं बेचते हैं? और कहीं नहीं जाते हैं, ये सिकंदरा छोटे मोटे बाजार हैं ये। कितने एरिया में मिर्च की खेती हो रही है? वहाँ 3 किलोमीटर की रेंज में होती है। 3 किलोमीटर की रेंज में मिर्च की खेती होती है और सब लोग औरैया लेके जाते हैं? हाँ, सब लोग औरैया लेके जाते हैं सर। तो जब मद्दा हो जाता है तो फिर क्या करते हैं? थोड़े आते हैं। बहुत बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत नुकसान। आप 10 रुपए किलो तो लेबर लेती टुराई और 10 रुपए मंडी जा रही है, आप खेत में लगी है, नहीं ढोड़ रहे हैं, पक रही है, पड़ रही है, लेकिन खाद बीज बराबर दे रहे हैं क्योंकि खराब ना हो जाए। लाल सिंह राजपूत जी ने जैसा कि बताया कि इस समय मिर्च तो निकल रही है, प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है, लेकिन मंडी में इनको भाव नहीं मिल रहा है। 10 रुपए किलो इनकी तुड़ाई का खर्चा आता है और 10 रुपए किलो ही मंडी का मार्केट है, तो ऐसे में किसान कैसे सर्वाइव करेगा मिर्च की खेती करके, सब्जी की खेती करके किस तरह से सर्वाइव करेगा? और हम किसानों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश बाबू राजपूत। राजेश बाबू राजपूत, आप कितनी मिर्च की खेती करते हैं? यही करते हैं, बीघा टमाटर। अच्छा, क्या क्या समस्याएं आ रही है आपको मिर्च की खेती करने में? समस्या आ रही है कि मंडी नहीं है यहाँ पर। भाई जी ने बताया कि मंडी की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर लोकल स्तर पर आपको भाव नहीं मिल पाता है, और प्रोडक्शन में किसी तरीके की क्या दिक्कतें आती हैं आपको? और का दिक्कत यही दिक्कतें हैं, और महंगाई इतनी है जो लेबर का मतलब भुगतान भी नहीं कर पाते हैं, यही लगी है हम लोग खेतों में। लेबर कॉस्ट कितनी है आपके यहाँ? 350 रुपये लगती है। 350 रुपये लेबर कॉस्ट लगती है पर डे के हिसाब से? मतलब चाहे आप तुड़ाई करवाइए, चाहे निराई करवाइए, चाहे मतलब यहाँ पे लेबर 350 रुपये 7 घंटे काम करती है। 7 घंटे काम करती है। तो एक तो आपकी मंडी की समस्या हो गई, एक आपकी लेबर की समस्या हो गई, यहाँ पर लेबर नहीं मिलती है, महंगी लेबर है। ठीक है, और क्या समस्याएं हैं आपके पास में? खाद वगैरह की फर्टिलाइजर वगैरह मिलती है? कुछ नहीं मिलती है, मिल जाए नहीं मिले तो कौन नहीं मिले। ये जैसा कि राजेश बाबू राजपूत ने बताया कि मिर्च की खेती करते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजर की भी बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की खादें नहीं मिल पाती हैं और सरकारी संघ में सप्लाई नहीं होती है क्या? मतलब जो पहुंच जाए, तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनको मिलती है, किसानों को मतलब नहीं मिलती है, छोटी मोटी किसानों को नहीं मिलती है। तो इस तरह से एक फर्टिलाइजर सप्लाई की भी यहाँ पे समस्या देखने को मिल रही है, लेबर की समस्या देखने को मिल रही है, इसके बाद में एक मंडी की समस्या देखने को मिल रही है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले तिवारी जी बता रहे थे कि यहाँ पे प्रचुर संभावनाएं हैं, किसान यहाँ का प्रोग्रेसिव सोच का है, पढ़ा लिखा भी है और वो वैज्ञानिक तरीके से खेती भी करना चाहता है, मगर कुछ संसाधनों के अभाव की वजह से वह लगातार पिछड़ रहा है। और वो और कौन कौन से कारण हैं, क्या क्या कारण हैं उनके पिछड़ने के, उस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ में और किसान लोग जुड़ रहे हैं, आइए। क्या नाम है आपका? महपाल सिंह। हमारे साथ महपाल सिंह राजपूत जी जुड़ चुके हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या समस्या आती है। समस्या ये है कि जैसे बीज गवर्नमेंट बेचती है तो हमें वो अवेलेबल नहीं हो पाता है, और जो वहाँ के जो वितरण वाले लोग हैं तो वो मैं कुछ उसे अपना किसानों से पैसे लेते हैं, वो किसी के नाम से कनों में बीज आता है, वो किसी के नाम को मतलब दे देते हैं या तो वो इकट्ठा करके बेच लेते हैं। अभी हमारे सामने कुछ समस्या ऐसी आई है कि वो 200 रुपये मांग रहे थे कि हम इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करेंगे, जबकि गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है। और किस चीज़ के बीज के? मिर्च है, टमाटर है और ये सभी प्रकार के बीज थे उसमें। हाँ, तो कहाँ पे? ये ब्लॉक स्तर से। ब्लॉक स्तर पे पूरी बात बताओ। हाँ, माटी से भी कंदुखो है, माटी से भी कंदुखो बीज की मिलने के लिए वही चीज़ वहाँ भी है, तो यही समस्या रहती है कि बीज नहीं मिल पाता है टाइम से, और मिलता है तो जब उसकी ज़रूरत हो तब मिल नहीं पाती है, ना दवाएं हैं, खाद है, ये चीज़ें जो आती हैं वो नहीं मिल पाती हैं। ज़रूरत के समय आपको बीज, खाद, दवाएं सरकार की तरफ से मुहैया नहीं हो पाती? हाँ, नहीं हो पाती हैं। तो ये अभी आप बीज कहाँ से खरीदते हैं आप लोग? मार्केट से, औरैया से लेते हैं, सिकंदरा से लेते हैं, और अगर जहाँ कहीं अवेलेबल हो जाता है वहाँ से मंगा लेते हैं, या अच्छी वैरायटी मिलती है तो वहाँ से ले आते हैं। तो आप लोग कभी बाहर से मतलब ट्राई नहीं किया? जब इतनी बड़ी तादाद में मिर्च पैदा होती है तो कहीं बाहर की मंडियां आप ले गए हो, दिखाया? हाँ, बाहर ले गए हैं, बाहर आगरा ले जाते हैं, सुखवाबाद ले जाते हैं, और भी कंदुखो ले जाते हैं। अगर बड़े उसमें जाती है तो दिल्ली भी चली जाती है, आजादपुर मंडी पहुँचती है। आजादपुर मंडी आ जाती है। हाँ, तो वहाँ कैसा रिस्पॉन्स मिलता है?
कोई खास नहीं, खर्चा आ जाता है ज्यादा, इसलिए नहीं ले जाते, लोकल ही बेच देते हैं। मतलब बाहर ले जाते हैं कुछ, थोड़ा बहुत दाम बढ़ता है तो उस दाम का आपको फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि उससे ज्यादा खर्चा हो जाता है आपके पास में। क्या आप अपेक्षा करते हैं कि सरकार, मतलब क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को अपने उस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलती हैं, जैसे फसलों का बीमा होता है कि फसल नष्ट हो जाती है बाढ़ में, सूखा में, या कीड़े लग जाने से, या मुझे एक रोग लगता है, कृमि रोग लगता है उसकी वजह से, तो वो सरकार बीमा करती है। क्या आपके गांव में कभी बीमा हुआ है या करवाया है किसी ने? नहीं नहीं, और ना मिला है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई कभी आके बीमा बताया हो कि ये बीमा करवा लीजिए इस तरह से, कोई यहाँ पे कारशाला लगी हुई है? ये चीजें कोई नहीं है, कभी नहीं है। चलिए, एक और फार्मर हमारे पास में आ रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे थे, जुताई कर रहे थे, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अंशु राजपूत जी। क्या कर रहे थे? जुताई कर रहे थे। जुताई कर रहे थे। क्या क्या बोने वाले हैं इसमें? गेहूँ बुवाई होगी। गेहूँ की बुवाई होगी। अभी कौन सी फसल थी? अभी उसमें मूँगफली थी। अच्छा, मूँगफली थी। कैसी मूँगफली हुई? मूँगफली यहाँ जंगली थी, सारी जंगली सोरों ने आपकी फसल खाई। और यहाँ के जो छुट्टा जानवर है वो बहुत परेशान है, परेशान है, पूरी लागत लगी लगाई, पूरे साथ पूरे खेत खेत खत्म हो जाते सारे। छुट्टा जानवरों की समस्या है यहाँ पर सबसे ज्यादा जानवर। अच्छा, अभी यहाँ पे पशुपालन विभाग, पंचायती राज विभाग छुट्टा जानवरों को पकड़ने का अभियान चला रहा है, तो आप उनको सूचना दीजिए कि आपके गांव में बहुत ज्यादा है आपने। अरे बहुत सूचना दी, पहले चुनाव के पहले बोला कि यहाँ पे गौशाला बनाएंगे, वो सब खत्म हो गया। हमारे साथ एक और बिल्कुल युवा किसान जुड़े हैं। हम बीएससी करे हुए हैं। बीएससी किया है आपने? हाँ। तो बीएससी करने के बाद में अब खेती कर रहे हैं या अभी कुछ और तैयारी कर रहे हैं? तैयारी भी कर रहे हैं, खाली समय में खेती भी करते हैं। खाली समय में खेती करते हैं। अच्छा, मिर्च की खेती आप करते हैं? मिर्च कितने सालों से कर रहे हैं आप? मिर्च तो भाई बाबा छोड़ गए थे तब से, पिताजी करते आए, अब हम थोड़ा काम करवाने लगे खेती बाड़ी में खाली समय में। मिर्च की इस समय क्या रेट जा रहे हैं? क्या मिर्च अभी परसों बिक के आई है हमारी, 8 रुपए किलो। 8 रुपए किलो मिर्च बिक के आई है आपकी? हाँ। और 5 रुपए किलो लेबर का चार्ज आ गया, 1-2 रुपए भाड़ा लग गया, 1-2 रुपए बारदाना चला गया, कुछ नहीं बचता है। ये मान लो कि खाद बीज भी नहीं निकाल पाए अभी तक। जब हम यहाँ आए थे करियापुर का इलाका, और इधर 4-5 गांव जो सराउंडिंग गांव पड़ते हैं उसमें देखा, तो बड़े तादाद में मिर्च और टमाटर की खेती देखकर मन प्रसन्न हो गया, लेकिन जब किसानों की समस्याओं को सुना तो रोंगटे भी खड़े हो गए। यहाँ पर किसानों की अपनी समस्याएं हैं, हालांकि यहाँ पर ग्रीन क्रॉस सोसाइटी, डायनामिक फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप जैसे जो संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, ये किसानों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर से किसानों ने जरूर शिकायतें करी हैं कि उनको समय पर खाद नहीं मिला, समय पर बीज नहीं मिला। अगर बीज उनको मिल गया तो वो बीज सही तरीके से, जो वैरायटी बोई थी वो निकली नहीं, और वो किसान बर्बाद हो गया। छुट्टा जानवरों की समस्या यहाँ बहुत बड़े स्केल पर है, 200-200 के 100-100 के झुंड यहाँ पर जानवरों के आते हैं और फसलों को चर के चले जाते हैं। यहाँ पे रात रात में यहाँ पर किसान जागता है और अपनी फसल को रखाता है।